किचन में उठते के साथ ही बस और नाश्ता बनाने शुरू हो गई हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से भूख लग रही, उठे हुए तो थे तो बस थोड़ा सा टाइम हो गया मुझे। मासी के साथ में लग गई थी मैं थोड़ी सी सफाइयों में, हालांकि मैंने बाद में सारी सफाइयाँ की हैं, लेकिन पहले से मैंने मासी से थोड़ी सी सफाइयाँ करवा ली थी, ऊपर ऊपर से वॉशरूम वगैरह सब चीज़ें साफ़ करवा ली थी। और फिर नाश्ता बनाने के लिए स्टार्ट हो गई, और नाश्ता बनाया, पराठे बनाए, और यहाँ इमरान और मैं खूब बातें कर रहे हैं। पता नहीं सारा दिन की बातें हमें उस टाइम नाश्ते के टाइम ही हम लोग बैठते हैं और बातें करते हैं, तो बस पूरी जहाँ सारा दिन जो करना होता है वो सारा सब कुछ डिस्कस हो रहा होता है कि क्या करना है क्या नहीं कर रहा। इमरान पता नहीं क्या बातें कर रहे थे इस वक्त, मुझे याद ही नहीं आ रहा वो क्या बातें कर रहे थे, वो किसी चीज़ के बारे में बातें कर रहे थे। और हो माई ट्यू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मॉर्निंग हो चुकी है, एक नई सुबह का आगाज़ है, बस सफाइयाँ वगैरह चलेंगी। अभी नाश्ता करके आई हूँ, तो आज जल्दी से डीप क्लीनिंग करनी है, घर की बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, पौधों को देखना है। तो बस नाश्ते से फारिग हुई और आ गई, बेडशीट्स वगैरह साफ़ करनी थी, चेंज करनी थी बेडशीट्स। बच्चों के साथ में इतनी गंदी होती है, इतनी गंदी होती है, हर दूसरे दिन बिछानी पड़ती है, क्योंकि हमारे सारे खाने नाश्ते सारे बेड पे ही हो रहे होते हैं, और बेडशीट बच्चे के साथ ही आयत को आकर लेटना लाजमी होता है। मैंने यहाँ पर सारा फर्नीचर भी साफ़ किया, काफ़ी दिन से मासी से साफ़ करवा रही थी तो वो अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। और सारे प्लांट्स को देखा, बहुत मेरी मनी प्लांट माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग भी सब माशाल्लाह कहिएगा, बहुत बड़ी हो रही है, अच्छी खासी ऊपर फैल रही है। पूरा पानी डाला उसको, गैलरी को वॉश किया, और मासी चली गई थी, मुझे जहन में ही नहीं रहा उससे सारा वॉश करवाती, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, वो भी बेचारी बहुत सारा काम कर जाती है, लेकिन मैंने कहा आज मैं खुद ही कर लेती हूँ, ज़्यादा बेहतर है, अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लूँगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आज। तो बस सारा पूरा धो लिया, फिर पोछा लगाया सारा, जबकि मासी पहले करके जा चुकी थी, उसके बाद मैंने सारी दोबारा से सफाइयाँ की, पूरी डस्टिंग की। तो बस कहना तो आसान है कि सफाई करनी है, लेकिन इस सफाई में जो आपको इतना फास्ट फॉरवर्ड दिख रही है ना वीडियो, और उसमें इतना टाइम लगा, इतना टाइम कि बस बहुत ज़्यादा मुझे 3 से 4 घंटे लग गए तकरीबन। फिर प्लांट्स निकाल कर बैठ गई, मैंने कहा बहुत दिन से गंदे हो रहे हैं तो ये भी साफ़ कर लूँ, ये भी धो लूँ, इनमें तो वैसे भी मट्टी आ जाती है, और आजकल का वेदर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रही है, रोज़ाना डस्टिंग करो तब भी डस्ट आती ही रहती है तकरीबन। तो वॉश वगैरह सारा अच्छे से क्लीन किया, और उसको इसके सारे फ्लावर्स अच्छे से उसमें एडजस्ट किए, और अभी काफ़ी दिन हो गए मुझे इसको ख़रीदे हुए, तो अब मुझे थोड़ा सा दिल भर गया इसको देखते देखते, अब मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रही हूँ, लेकिन अभी बस मुझे थोड़ा सा टाइम मिले तो घर को थोड़ा सा सेटिंग करूँगी। बस थोड़े दिन बाद मुझे लग जाता है कि घर को अब ये करना है, अब ये करना है मुझे डेकोरेशन का, क्योंकि बहुत ज़्यादा शौक है इस वजह से भी, तो बस वो टाइम नहीं मिलता वो एक अलग बात है। तो बस इसमें 3-4 घंटे में मैंने ज़ाया कर दिए सब तकरीबन, करते करते इतना टाइम ज़्यादा हो गया, तो बस मैं तो थक हार के सो चुकी थी, सो के उठने के बाद सारे और मैंने काम किए, लेकिन यहाँ पर सारे प्लांट एडजस्ट किए, सब कुछ लगाए, और जो है ना घर इतना खूबसूरत लग रहा था, अच्छा लग रहा था, क्लीन क्लीन। जब इतनी डीप क्लीनिंग का टाइम रोज़ाना हम लोगों को नहीं होता, खासकर हाउसवाइफ हम लोग जो हैं, जो बच्चों के साथ में सारी चीज़ें देखनी होती हैं, और फिर मुझे तो सैलून भी देखना होता है, सारे काम करने होते, तो इस वजह से भी, लेकिन मुझे शौक़ बहुत है करने का, लेकिन वो हो नहीं पाता। बस ये है कि रोज़ाना ये सारे काम बहुत दिल चाहता है करूँ, लेकिन नहीं होते। खाना बनाना और ये बस थोड़ा सा ऊपर का डस्टिंग वगैरह कर लिया, यही चीज़ें होती हैं जो होती हैं बस। अभी फ्रेश होने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया काम करते करते, और आज अच्छे से डीप क्लीनिंग हो गई है घर की, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, पूरी घर जो है ना पूरा देखें, क्लीन 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 कर दिया आज मैंने, इतनी अच्छी सफाइयाँ की, पूरा सारा दिन हो गया आज मुझे करते। तो गाइस आज सारा दिन मैंने इतनी सफाइयाँ की हैं, मासी हालांकि सफाई करके जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद मैंने पूरी सफाइयाँ की हैं, बहुत टाइम गुजर गया, 2-3 घंटे आज लग गए क्लीनिंग करने में ही। और अभी मगरिब की नमाज वगैरह पढ़ के बैठी हूँ, और अभी आई है मेरी बिरयानी, तो बिरयानी खाई, और बिरयानी देखने में बहुत मज़ेदार लग रही है। वाकई बहुत टेस्टी बिरयानी है। सारे रेस्टोरेंट में बिरयानी इसी तरह इस स्टील की थाली में देते हैं, इसलिए मैं भी प्लेट में डाल के नहीं लाई, इसी में डालकर लाई। तो गाइज अक्सर जो यूट्यूब पर सब लोग मैसेज कर रहे होते हैं, अक्सर लड़कियां मैसेज कर रही होती हैं
कि मैं अपने सैलून का नंबर दे दूं और सैलून का एड्रेस दे दूं, तो प्लीज़ वो फिर मैं यूट्यूब पर तो नहीं दे सकती वहाँ पर, तो फिर उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम ज़रूर करिएगा, मैं इंस्टाग्राम की आपको वो आईडी शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ पर भी इनबॉक्स कर सकती हैं मुझे किसी भी चीज़ के लिए। और सारे चार्जेस वगैरह भी हर चीज़ का, ज़ाहिर सी बात है बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग हुई होती हैं सारी चीज़ों के चार्जेस जो पूछ रही होती हैं, कैरेटीन के या रिबॉन्डिंग के और मेकअप के भी, जैसा मेकअप होगा उसके हिसाब से ही काम होगा और चार्जेस भी होंगे। तो फिर इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर मुझे ज़रूर DM कर दीजिएगा, तो फिर मैं वहाँ पर बता दूंगी। और जो इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है आयत ब्यूटी सैलून के नाम से, और जो फेसबुक की आईडी है वो भी आयत ब्यूटी सैलून के नाम से, तो आप वहाँ जाकर मुझे इनबॉक्स करेंगी तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको हर चीज़ों के प्राइस बता दूंगी और फिर तफसीली बात भी कर लूंगी। तो मैंने कहा आज मुझे बात ये याद आ गई, तो फिर मैंने कहा मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। तो गाइस ये था आज का मेरा ब्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सारा दिन की रूटीन आपके साथ में शेयर की और सारा दिन खूब सवाइयाँ की, घर से बाहर निकलने का तो आजकल बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता, और कल सुबह भी देखते हैं कि क्या रूटीन होती है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, बहुत नींद आ रही है, सारा दिन काम करें क्योंकि बस चाय बनाऊंगी, और आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ में। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ये देखें बच्चे अभी तक सोए नहीं है और सुलाने की कोशिश है, मैंने लाइटें वगैरह सब बंद कर दी थी, आयान जाकर सो गया है, लेकिन है ना आया तक सोने का कोई नामो निशान नहीं है बिल्कुल भी, तो बल्कि आयान अभी सोया नहीं है, सोने के लिए लेट रहा था। तो इमरान के अलावा पहले मैं बालों की कटिंग करवा के ले आता हूँ, हेयर कटिंग करवाने के लिए गए, वो आए गए तो वो सोएंगे, तो फिर इतने में इसको लाइटें बंद करके लिटाती हूँ ताकि ये शायद सो जाए। इसका तो यही है जब तक ज़बरदस्ती इसको सुलाया ना जाए, अंधेरा ना किया जाए कमरे में, ये लेटेगी ही नहीं, हमें तंग करती रहेगी। तो बस सारा सुबह की उठी हुई होती हूँ इसलिए जो है ना इस वक्त मेरी आंखों का बहुत बुरा हाल होता है, थोड़ी सी देर सोकर उठ जाऊँगी, उसके बाद है ना चाय बनाऊँगी और फिर उसके बाद तहज्जुद और फजर और फिर एडिटिंग करूँगी, जो मेरी रोज़ की रूटीन होती है, यही रूटीन होती है मेरी रोज़ाना की। तो मिलती हूँ कल सुबह नए ब्लॉग के साथ में, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।